नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंक बीके एंटर्स इनटू रेपो ओनली फॉर 9 डेज रीपर्चेस एग्रीमेंट विथ बैंक एनी इन 6% गवर्नमेंट ऑफ बॉन्ड 2022 फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹2 करोड़। द अदर रेलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट लेग पेमेंट स्टार्ट प्रोसीड्स, यानी सिंपल लैंग्वेज में लोन अमाउंट, इट इज 2,06,750। सेकेंड लेग रीपे, दैट इज पेमेंट, रीपेमेंट 2,31,759। इनिशियल मार्जिन दे रखा है, डेज इंटरेस्ट अक्रूड दे रखा है, अज्यूमिंग 360 डेज इन अ ईयर। आपको ये तीन चीज कैलकुलेट करना है, रेपो रेट फाइंड करना है, डर्टी प्राइस कैलकुलेट करना है और क्लीन प्राइस कैलकुलेट करना है। यानी आपको ये कैलकुलेट करना है, सो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द लोन इज गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन, फिर डर्टी प्राइस और क्लीन प्राइस। चलो अपने आप आंसर कीजिए तीनों तीन का एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको सिंपल रेपो रेट फाइंड करना है। सो रेपो रेट का कैलकुलेशन बहुत आसान है। वी अंडरस्टैंड दैट द इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल PLN अपॉन 100। दैट इज व्हाट्स द काइंड ऑफ फॉर्मूला दैट वी कैन अप्लाई। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट, इट इज 2,31,759 माइनस 2,06,750। तो ये इंटरेस्ट आ गया एंड दिस कैलकुलेटेड ऑन 2,06,750 into rate of interest हमको पता नहीं है। Time period is what we know, it is only 9 days। So R can be calculated as balancing figure। So R will be calculated as, सबसे पहले interest कर देते हैं, 31759 minus 6750, that is 25,009 divided by the principal amount. Principal amount is 2,06,750 into 360 upon 9 into 100 for getting answer in percentage term. So the interest amount divided by 2,06,750 into 360 into 100 upon 9, that comes to 5%। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है, दैट इज द रेपो रेट। फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको ऐसा पूछा है, दैट से यू रिक्वायर टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द डर्टी प्राइस। उसके लिए से जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, स्टार्ट प्रोसीड्स, इनिशियल मार्जिन, उन सब का इस्तेमाल किया जाएगा। सो आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन, जिसपे हम लोग लिख सकते हैं डर्टी प्राइस, सो वी अंडरस्टैंड एट से द फर्स्ट लेग पेमेंट, या तो जिसको हम लोग लोन अमाउंट भी बोलते हैं, इज इक्वल टू फेस वैल्यू, दैट इज ₹2 करोड़ इंटू डर्टी प्राइस जो हमको फाइंड करना है, divided by dirty price once again, sorry, divided by face value once again, into 1 minus initial margin, so the first leg payment kitna hai 2,06,750 is equal to face value kitna hai 2 crore, dirty price kya wo humko pata nahi hai, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू हम लोग ₹100 मान लेते हैं, इंटू 1 माइनस 0.0125। सो नाउ डर्टी प्राइस कैन बी फाउंड एज बैलेंसिंग फिगर, इट इज 2,06,750 डिवाइडेड बाय अगेन 2 crore इंटू 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय
0.9875, 1 minus 0.0125. That is the way we are required to find the dirty price. Please write down this first of all, repo rate. So the dirty price calculation will be made like this. 2,06,750 into 100 into 1. Into 1 does not make a sense. Divided by 2 crore. Divided by 0.9875. That comes to 101.3. So the dirty price is 101.3. थर्ड क्वेश्चन में पूछा हमको क्लीन प्राइस. वंस यू हैव गॉट द डर्टी प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ क्लीन प्राइस इज वेरी सिंपल. डर्टी प्राइस इज क्लीन प्राइस प्लस इंटरेस्ट अक्रूड. दिस इज 101.3. क्लीन प्राइस हमको मालूम नहीं है. फेस वैल्यू मान लेते हैं 100 रुपए. रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6% और टाइम पीरियड है 240 दिन. सो वी कैन सी दैट ओवर हियर इट हैज बीन गिवन दैट 6% गवर्नमेंट बॉन्ड. सो कमर्शियल पेपर सॉरी क्लीन प्राइस इज इक्वल टू 101.3 माइनस 100 into 6%, that is 6 into 240 divided by 360, that is 4. So clean price is 97.3. तो यहाँ पे हमको इस बार थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन दे रखा है. हमको कुछ वैल्यूज दे रखा है, उसके ऊपर से हमको बैकवर्ड वर्किंग करना है. यूजुअली क्या होता है, डेट से कुछ डिटेल्स होता था, उसके ऊपर से हमको डर्टी प्राइस फाइंड करना होता था, लोन अमाउंट कैलकुलेट करना था, रीपेमेंट कैलकुलेट करना होता था. ये यूजुअली हमको करना होता था, पर इस बार उल्टा दे रखा है. वैल्यूज दे रखा है जिसके ऊपर से हमको सब कैलकुलेशन करना है. सबसे पहले रेपो रेट, वेरी सिंपल. इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN अपॉन 100, ये सिंपल फॉर्मूला लगेगा. रीपेमेंट और लोन अमाउंट का जो डिफरेंस है दैट इज इंटरेस्ट. प्रिंसिपल अमाउंट भी है, दैट इज अ लोन अमाउंट. आर विल बी फाउंड एज बैलेंसिंग फिगर. और इस बार टाइम पीरियड सिर्फ 9 दिन है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है. दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. दूसरे में हमको डर्टी प्राइस फाइंड करना है. तो फर्स्ट लेग का पेमेंट हमारे पास है, फेस वैल्यू है, इनिशियल मार्जिन है. सो डर्टी प्राइस कैन बी फाउंड एज बैलेंसिंग फिगर. वंस हमारे पास डर्टी प्राइस आ जाएगा, इंटरेस्ट अक्रूड का इंफॉर्मेशन हम लोग जनरेट करेंगे. बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 6% एंड द टाइम पीरियड इज 240 डेज. तो क्लीन प्राइस का आंसर आ जाएगा 97.3. दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू डू आंसर. और इंपॉर्टेंटली मुझे सब स्टूडेंट्स को ये बताना है, डेट से बी प्रिपेयर्ड से फॉर दिस काइंड ऑफ लाइक चेंज इन द क्वेश्चन. क्योंकि एग्जामिनेशन में जो हम लोग यूजली करते हैं ना क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन या तो वही का वही चीज थोड़ा उल्टा करके वो लोग हमको एग्जामिनेशन में पूछते हैं. तो ऑफ कोर्स एज वी अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट.